हम ना वोट देंगे, और जो हमारे पास नेतागण आएंगे केजरीवाल के जितने भी हैं या बीजेपी के हैं या कोई भी है, हमारे पास आएंगे वोट लेने के लिए, हम सीधा जूते चप्पल दिखाएंगे। एक मनुवादी सोच के लोग आज शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। की स्वर्ण जाति के बेटे की बेटी की शादी हो रही है तो भी वो वहाँ काम करेगा, उनकी झूठी पतलनों को साफ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी झूठा सिंह जी ने वादा किया था, झूठा सिंह मैं बोल रहा हूँ, वादा किया था कि यदि कोई भी कर्मचारी दिल्ली नगर निगम का इस हादसे में एक्सपायर होता है, इस बीमारी में, वांछित बीमारी में अगर एक्सपायर होता है तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। देश का सबसे बड़ा झूठा है। तो फूलों की माला दिखावा था, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पानी पिया ना चरण धो करके, पता नहीं दुबे था, शुक्ला था, मिश्रा था, कौन था, किसके पैरों के उन्होंने चरण धूली ली है, लेकिन हमारे कर्मचारियों के तो नाक में जो ना बिल्कुल दम दे दिया उन्होंने। हम चेतावनी भी दे रहे हैं हम उनको कि आज तो प्रदर्शन किया है, आगे को हम धरना भी करेंगे और भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, काम बंद हड़ताल भी करेंगे। हम बहुत कुछ करना जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हम अपना हक लेना जानते हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से नगर निगम पार्षद के सफाई कर्मचारी हैं उनका लगातार शोषण हो रहा है और उनके साथ उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसी को लेके हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। मैम पहले आप बताइए, क्या कहेंगे आप इसको लेके? मांगे तो हमारी बहुत सारी हैं, जो सरकार और ये निगम के अफसर हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो निगम प्रशासन है, इससे ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी मांग डिमांड है, ज़्यादा नहीं तो जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, हमारे एरियर है जो हमारा लाभांश है वो हमें दे दिया जाए, है। और हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। प्रार्थना क्या, हम चेतावनी भी दे रहे हैं हम उनको कि आज तो प्रदर्शन किया है, आगे को हम धरना भी करेंगे और भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, काम बंद हड़ताल भी करेंगे। हम बहुत कुछ करना जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हम अपना हक लेना जानते हैं। जैसे जिस तरीके से जो जब चुनाव आते हैं तो नेता जो है घर पर वोट मांगने आ जाते हैं, तो उस तरीके से आप क्या देख रहे हैं 2024 में क्या होगा अगर आपको नहीं न्याय मिलता है तो? हम तो बिल्कुल ही हम ना वोट देंगे, और जो हमारे पास नेतागण आएंगे केजरीवाल के जितने भी हैं या बीजेपी के हैं या कोई भी है, हमारे पास आएंगे वोट लेने के लिए, हम सीधा जूते चप्पल दिखाएंगे। तो जिस तरीके से सर आपसे बात करेंगे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, मतलब छोटी जाति के लोग हैं, उनको गटर सीवर ये सब साफ किया करवाया जाता है, और वैसी बड़ी जाति हैं उनको मतलब कुछ भी बड़ा काम दे देते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैडम पार्सलिटी चल रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जनित चैनल का, जो आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए अग्रसर रहती है। मैडम अभी आपने जो पूछा कि भाई बड़े अधिकारी एकदम से आते हैं तो उच्च जाति के लोग आते हैं, और यहाँ छोटे जो कर्मचारी हैं, चतुर श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, वो छोटी जाति के लोग होते हैं, आप सच कह रहे हैं। कारण ये है कि एक मनुवादी सोच के लोग आज शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, उन्हों के हाथ में सत्ता है, शासन है उनके हाथ में, व्यवस्था उनके हाथ में है, इसलिए ये बड़ी जाति के लोग जो अपने आप को स्वर्ण जाति के कहते हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे छोटे कर्मचारी जो हैं ये ज़मीन पर आकर के काम कर रहे हैं। और इनकी दुर्दशा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जितने भी मेरे दर्शक आज मुझे सुन रहे होंगे उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, इतनी दुर्दशा उनके साथ होती है। क्या किसी कर्मचारी को पूरे दिन के 2 घंटे के पैसे मिलेंगे? और अगर 2 घंटे के पैसे मिलेंगे तो क्या 2 घंटे के पैसे में उसके बच्चे पल जाएंगे? मेरा एक सवाल है आम जनता से, क्या इस सवाल का जवाब है आम जनता के पास में? आज की डेट में दिल्ली नगर निगम के अंदर, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली नगर निगम के अंदर सभी जोनों में दैनिक वेतन भोगी की जगह जो है एजदार प्रथा चल रही है।
एवजदार प्रथा मैं आपको खुल के बता देता हूँ, एवजदार प्रथा होती क्या है। एवजदार प्रथा मतलब किसी की अवेज में कर्मचारी को सेट करना। मान लिया गया मैं बलराज हूँ, मैं आज ड्यूटी पर नहीं आया तो मेरी अवेज में सतीश को लगा लिया, लेकिन सतीश को मेरी अवेज में जो सैलरी दी गई है वो उसकी चौथाई हिस्सा भी नहीं दिया गया है, चौथाई हिस्सा भी उसको नहीं जाता है। एक मिनट, एजदार प्रथा के नाम पर दिल्ली के अंदर ये शोषण हो रहा है। अब हम बाहर के राज्यों की बात करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, इन राज्यों में जो सफाई कर्मचारियों का हाल है वो मैं आपको बयान करता हूँ। ग्रामीण सफाई कर्मचारी के नाम पर मानदेय भत्ता दिया जाता है। मान आपका मान है जी, लेते हो तो ले लो, नहीं लेते तो कोई बात नहीं। मतलब उनकी हाजिरी में अटेंडेंस भी नहीं भरी जाती, अटेंडेंस भी नहीं लगती, क्या मान है हमारा। और काम उनसे पूरे दिन लिया जाता है, इवन रात को अगर किसी की बेटे की, स्वर्ण जाति के बेटे की, बेटी की शादी हो रही है तो भी वो वहाँ काम करेगा, उनकी झूठी पतलनों को साफ करेगा, लेकिन सैलरी वही 13-14 हज़ार रुपये। 13-14 हज़ार रुपये में क्या वो अपने बच्चे पाल लेगा, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ सुविधाओं का अभाव है। एक आदमी अगर अपने शहर के लिए निकलता है तो 50 रुपये की टिकट लग जाती है उसकी, सुविधाओं का अभाव है। अगर सब्जी लेने के लिए उसे जाना होता है तो बाहर जाना पड़ता है, जिसके 50 रुपये उसको टिकट के पे करने पड़ते हैं, सुविधाओं का अभाव है। अगर किसी को मेडिकल सुविधा चाहिए तो बाहर शहर में जाना पड़ता है, जहाँ पर एक बार जाने के लिए एम्बुलेंस 2000 रुपये पे करते हैं, सुविधाओं का अभाव है। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, सुविधाओं का अभाव है मैडम, सुविधाएं नहीं है। और उन लोगों को वहाँ पर उनका शोषण किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है उनके साथ। सर, जिस तरीके से कोरोना काल में भी मतलब सब लोग घर में बैठे हुए थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, लेकिन वही जो सफाई कर्मचारी थे उनसे फिर भी काम कराया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इनाम दिया जाएगा, तो मिला क्या इनाम? हाँ मिला। क्या मिला? बिल्कुल मिला। दिल्ली के अंदर 285 कर्मचारी एक्सपायर हो गए, ये इनाम मिला सफाई कर्मचारी। अन्य विभागों से दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता विभाग से 57 कर्मचारी दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता विभाग से एक्सपायर हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी झूठा सिंह जी ने वादा किया था, झूठा सिंह मैं बोल रहा हूँ, वादा किया था कि यदि कोई भी कर्मचारी दिल्ली नगर निगम का इस हादसे में एक्सपायर होता है, इस बीमारी में, वांछित बीमारी में अगर एक्सपायर होता है तो मैं उसको 1 करोड़ रुपये दूंगा, ऐसा उन्होंने वादा किया था। लेकिन उन्होंने नाम मात्र भी दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारियों को एक पैसा नहीं दिया है। 57 के 57 कर्मचारी लाइन में धक्के खा रहे हैं, उनकी फाइलें मैं अपने यहाँ से लेकर के गया हूँ, रोहिणी से, केशवपुरम जोन से, नरेला से, सिविक सेंटर से जाकर के एसडीएम साहब के समित करी है। आज भी अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ एविडेंस, 57 कर्मचारियों की फाइलें हैं, एक भी आदमी को पैसा नहीं दिया गया है। ये इनाम मिला उनको, उस टाइम पर तो कह दिया था जी इनके ऊपर फूलों की माला दिखावा था, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पानी पिया ना चरण धो करके, पता नहीं दुबे था, शुक्ला था, मिश्रा था, कौन था, किसके पैरों के उन्होंने चरण धूली ली है, लेकिन हमारे कर्मचारियों के तो नाक में जो ना बिल्कुल दम दे दिया उन्होंने, कोई फैसिलिटी नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं मिला उनको। उन्होंने कहा था कि यदि कोई कर्मचारी एक्सपायर होता है तो उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं स्थायी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, मेरा स्थायी कर्मचारी की, अभी जो भी अपॉइंटमेंट दी गई हैं सारी की सारी अस्थायी स्वच्छता कर्मचारी की दी गई हैं, किसी को भी पक्का नहीं किया गया। तो ये झूठा सिंह नहीं है, देश का सबसे बड़ा झूठा है। तो हम इनसे बात करेंगे मैम, आपका नाम? आप अपना परिचय दो, बता दीजिए आपका नाम। ज्ञान देवी। कहाँ से हैं आप? नजफगढ़ से हैं। तो अभी तक आपको स्थायी नहीं करा गया है? नहीं। कितने साल से काम कर रही हैं आप? काफी टाइम हो गया है। तो मतलब आपको क्या है, लग रहा है आपको कि आपको स्थायी कर दिया जाएगा? यहाँ इतने सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। नहीं लग रहा है। और मतलब कितने साल रह गए हैं आपके काम करने के? और काफी टाइम है। तो ये थे हमारे साथ जो सफाई कर्मचारी का जो जिस तरीके से शोषण हो रहा है उनके हित में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आगे और भी मतलब काम करेंगे और आगे भी और भी करेंगे। जिस तरीके से केजरीवाल को झूठा सिंह बताया जा रहा है, कह रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं करा और कोरोना काल में भी इनसे काम लिया गया फिर भी उनके साथ कोई इनाम नहीं दिया गया। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।